Happy birthday. Thank you so much. Thank you so much. चलो अंदर चलते डन डन दे भैया उसका हाउस है मैंने बहुत ख्याल रखा अब्बा का जब मैं बिग बॉस में था चले अंदर चलते Happy birthday to you. Happy birthday dear Shikhanu. Happy birthday to you. ये कैमरे की साइड आप में से एक आपके लिए थैंक यू ये सब आप सबके लिए थैंक यू विशाल भाई बोल बा बोल बा मैं हर साल यही करता हूँ बहुत एक्साइटेड हूँ हर बर्थडे को लेकर एक्साइटेड होता हूँ इन्होंने जन्म दिया तो इनके साथ बर्थडे मनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं शिव भक्त हूँ और शिव पार्वती ने एक बार अपने बच्चों से कहा था कि दुनिया का चक्कर लगाओ कार्तिकेय निकल गए पृथ्वी का चक्कर निकाल लगाने के लिए और गणपति जी ने सिर्फ माँ बाप का चक्कर लगाया तो मेरी दुनिया यही है और जब भी बर्थडे होता है मैं कोई पार्टी वार्टी नहीं करता मैं दोस्तों से मिलता हूँ अपने डैड को और अपने हाउस हेल्प को मेरा हाउस हेल्प है देव भैया वो आते नहीं ये देव भैया हैं ये पूरा साल भर मुझे खाना खिलाते हैं तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं जब मेरा बर्थडे हो तो एक दिन इन्हें खाना खिला सकूं और इन्होंने मेरे अपा का बहुत ख्याल रखा जब मैं बिग बॉस में था तो बस छोटी सी दुनिया है अब मेरे अपा मेरे साथ हैं मेरे बर्थडे पर कोई पार्टी शार्टी नहीं चाहिए छोटा सा अपा के साथ That's the party और यही मेरी दुनिया। Okay, सर आपसे जानना चाहूँगे आप क्या कुछ बताना चाहेंगे इनके बर्थडे को लेकर कितनी एक्साइटमेंट होती है या फिर और क्या कुछ बताना चाहेंगे नहीं इसके बचपन से हम लोग जब ये छोटा था एक बरस से हम लोग चालू किए ले जब बड़ा होने के बाद अपना खुद का वो करके ले रहे हैं वो टाइम में हमारा ज़रूरत नहीं है लेकिन हम साथ में रह के हमारा बर्थडे बन के एंजॉय कर रहे हैं ये पहली बार वो प्रेस के सामने आ रहे हैं अब तक दिस द फर्स्ट टाइम यू आर सीइंग माय डैड तो अभी तक कभी मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ ही इज नेवर कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा बट सर जब इन्हें मीडिया इतना प्यार देती है या फिर इनके फैंस जब इतना प्यार देते हैं तो आपको कितना प्राउड फील होता है हमको तो इतना प्राउड फील होता है क्यों हम एक गैरेज का आदमी है गैरेज का ये करता था और उसको मैं मेरा काम के अंदर इंटरफेयर करने को दिया नहीं था और उसका खुद का इसके लिए मैं उसको पीछे साथ रह गया लेकिन मैं खुद उसको लाइन नहीं दिखाया तुम ये लाइन में जाओ ये लाइन में जाओ ये लाइन में जाओ हम सोचता था ये पढ़ के कुछ बने लेकिन वो अपना खुद का लाइन पकड़ा हम उसमें भी खुश हैं सो स्ट्रगलिंग लाइफ से लेकर सक्सेसफुल लाइफ तक किस तरह की जर्नी आप बताना चाहेंगे स्ट्रगल तो है ही यार लाइफ में हर जगह स्ट्रगल है जब एक गराज वाले का बेटा एक्टर बनता है जैसे मैंने स्टेज पे सलमान सर को भी कहा तो उसको ज़्यादा मुश्किलें होती हैं पर ठीक है इट्स ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम मैंने हमेशा कहा है कि गरीब पैदा होना अपने हाथ में नहीं होता
लेकिन गरीब मरना अपने हाथ में होता है। तो पढ़ो लिखो, मैं सबसे कहता हूँ, मेरे गली के हर बच्चे से कहता हूँ, इनफैक्ट मैं उनके साथ भी बर्थडे मनाता हूँ, हर साल इस साल भी जाऊँगा, कि अगर आप पढ़ोगे लिखोगे और ख़ुद कामयाब बनोगे। थ्री इडियट्स की एक बहुत कमाल की लाइन थी कि काबिल बनो, कामयाबी साला झक मार के पीछे आएगी। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं ही हूँ। और मैं यही कहता हूँ कि आप अगर खुद को पढ़ाओगे लिखाओगे और काबिल बनोगे तो विशाल कोटिन क्या है, आप सलमान सर से भी आगे जा सकते हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगी, बहुत सारे आपने फ्रेंड्स बनाए थे बिग बॉस के घर में, क्या कुछ उनके साथ तैयारी चल रही है बर्थडे को लेकर, या फिर किस तरह से उनके बाद मिलना होगा? मेरे सारे ही अच्छे दोस्त हैं, उनसे मिलने का मौका नहीं मिला है क्योंकि सब बहुत बिजी हैं। मैं खुद बिग बॉस के बाद बहुत बिजी हो गया था, वो तो अभी भी बाहर आए, पर 15th के बाद मैं उनसे मिलूँगा, तेजा से मिलूँगा, के से मिलूँगा, जय से मिलूँगा, सबसे मिलूँगा, जो भी मिलना चाहता है उससे मिलूँगा। और बहुत अच्छा लगेगा सबसे मिलकर, इतनी दूर का सफ़र तय किया है मैंने। मैं एक गरीब घर में पैदा हुआ था लेकिन आज मेरे पास सब कुछ है। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क एंड मेहनत करते रहो तो आप भी गलियों से निकल कर मर्सिडीज़ में घूम सकते हो। बिग बॉस चाहते हैं, ये सबसे ज़्यादा याद आता है मुझे बिग बॉस के घर में, क्योंकि जब जब बिग बॉस की आवाज़ सुनते थे हम सभी बहुत खुश होते थे। तो बिग बॉस चाहते हैं कि आप खुशपुसा कर बात ना करें, आप अंग्रेज़ी में बात ना करें, आप उनको ये सब बहुत याद आता है। बिग बॉस का वो घर बहुत याद आता है, जैसे हम लोग उठते थे गाने पर। अब नॉर्मली भी जब सुबह गाना बजेगा तो मैं उठ के नाचना शुरू कर देता हूँ, इतनी आदत हो गई है। तो बिग बॉस के घर में पहले लगता था कि पता नहीं सुबह सुबह उठ के लोग नाचते क्यों हैं, पर अब बहुत अच्छा लगता है क्योंकि दिन की शुरुआत आप उत्साह से करें तो सारा दिन अच्छा गुजरता है, और यही सोच है उस नाच के पीछे। अगर बर्थडे की बात की जाए, आपने जैसे बताया कि फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते थे, जानना चाहूंगी कि अभी तक का बेस्ट बर्थडे क्या कुछ रहा है आपके लिए? यार, मेरा हर दिन बेस्ट है क्योंकि मैं हर दिन को सेलिब्रेट करता हूँ। बर्थडे के दिन एक स्पेशल सेलिब्रेशन होता है क्योंकि मैं अप्पा को बाहर ले आता हूँ, मेरे देव को बाहर ले आता हूँ, तो जिंदगी का हर पल सेलिब्रेट करना ही जिंदगी है यार। बर्थडे के दिन थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि आप थोड़ा, आप जैसे लोगों का इम्पोर्टेंस मिल जाता है, जहाँ भी जाता हूँ प्यार मिल जाता है। सो आई लाइक माय बर्थडे एंड आई एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ माय बर्थडे। स्कूल के दिनों में किस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, कॉलेज के दिनों में किस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट? स्कूल के दिनों में मैं डॉन बॉस्को से था, और स्कूल के दिनों में चॉकलेट बांटा करते थे हम, क्लास क्लास में जाकर जाके सब लोग करते हैं। और मुझे याद है मेरे अप्पा मुझे, मैं कहता था कि आप नॉर्मल चॉकलेट दो, तो वो कहते थे नहीं नहीं तू बड़े स्कूल में जाता तो एक्लेयर भी बहुत बड़ी बात होती थी, तो टीचर्स के लिए डेरी मिल्क और सारे बच्चों के लिए एक्लेयर वो खुद लेके देते थे। वो भले ही खुद के लिए उन्होंने कभी कपड़ा एक शर्ट पैंट नहीं लिया हो, लेकिन ज़िंदगी में मुझे किसी बात की कमी नहीं होने दी है, और शायद मैं ज़िंदगी में उनके लिए थोड़ा भी कर पाऊँ ना, मतलब उन्होंने मेरे लिए इतना किया, मैं इतना भी कर पाऊँ तो मेरे लिए बहुत। मैं एक मराठी फिल्म कर रहा हूँ, लोचा झालारे नाम की एक मराठी फिल्म है जो अभी अंकुश और सिद्धार्थ की है, जो बहुत हिट हुई है। उन्हीं वो आइडियाज़ एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन परितोष पेंडर की फिल्म है, जिसकी अगली फिल्म मैं कर रहा हूँ, और उसके अलावा एक बहुत बड़ा शो होस्ट करने वाला हूँ, लेकिन लेट द मेकर्स अनाउंस इट। नहीं नहीं, मुझे ऑफर नहीं किया गया, मैं जस्ट बिग बॉस से बाहर आया यार, बहुत बड़ा शो है। बट ऑल द बेस्ट टू कंगना मैम, ऑल द बेस्ट टू एकता मैम, आई होप एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट शो एज वेल। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप बिग बॉस के घर में रहकर आते हो तो ऐसा कोई भी सिमिलर शो आता है तो आप बहुत ही ऐसा फील करते हो कि यार ये तो अपने जैसा है, देखते हैं यहाँ लोग कैसे मैनेज करते हैं। हंड्रेड परसेंट मैं खतरों के खिलाड़ी में बिल्कुल जाना चाहूँगा, बिल्कुल मेरे किस्म का शो है, मैं फिट हूँ, आई हैव ऑलवेज बीन फिटनेस फ्रीक। हाँ, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं, मुझे रेप्टाइल से डर लगता है, मुझे ऊंचाई से डर लगता है, मुझे इंसेक्ट से डर लगता है, ये सारी बातें उनको बताइएगा मत। मैं बहुत टफ दिखता हूँ, मैं शेर से नहीं डरता लेकिन कॉकरोच से डरता हूँ, ये प्रॉब्लम है। सलमान सर इज़ भाईजान और वो मुझे अपना छोटा भाई समझते हैं, जैसे वो प्यार मुझे दिखाते हैं, आई थिंक आई वॉज इज फेवरेट, और वो जानते हैं कि मैं कहाँ से आया हूँ, ये आइडेंटिफाइज विद मी, क्योंकि वो भी मुंबई के हैं, वो मेरे दगड़ी चाल को जानते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, सलमान सर के जो बॉडीगार्ड हैं, ये सलमान सर ने मुझे बताया, सलमान सर के जो बॉडीगार्ड है शेरा, उनके डैड का जो गराज था उसमें मेरे अप्पा काम किया करते थे,
तो जब मैंने सिंह गैराज सलमान सर को बताया तो उन्होंने बोला ये तो शेरा के डैडी का गैराज है। मैंने बोला हाँ उसी में मेरे अप्पा काम किया करते। तो सलमान सर स्पेशल, रोहित सर गाँव वाले हैं यार, तो उनसे कभी मिलना नहीं हुआ लेकिन वो अपन के गाँव वाले हैं, तो अगर उनसे मिला तो उनके साथ भी बहुत मजा आएगा। क्योंकि गाँव वाले जो मिलता ना तो कड़क हो जाता। भाई लोग इतने सारे प्यार की आदत नहीं है, आप लोग जो मुझे प्यार देते हो इससे ज़्यादा मुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए। मैं आप में से ही एक हूँ, आपके लिए हूँ, जब तक जिंदा हूँ आपको एंटरटेन करता रहूँगा। थैंक यू सो मच, मेरा दिल भर आता है जब आपका प्यार देखता हूँ। इसी तरह प्यार देते रहिए। आई लव यू ऑल। थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग, थैंक यू।